चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एयर 2016 का क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गोल्ड स्टार हॉकी क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। ये रिसिप्ट की डिटेल्स है, ये हमारे पास पेमेंट्स की डिटेल्स है। रिसिप्ट की डिटेल का मतलब ये कि वो पैसे जो हमारे पास ओरिजिनली कैश में रिसीव हुए हैं और बैंक अकाउंट में रिसीव हुए हैं, और पेमेंट्स के डिटेल्स का मतलब ये कि वो पैसे जो हमने पे किए हुए हैं ओरिजिनली। इसके साथ हमें अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब इन इन्फॉर्मेशन से हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तो इसके अंदर ओरिजिनल कैश रिसीव जितना भी हुआ होगा उसकी डिटेल, और साथ में जो एडजस्टमेंट होती है मतलब इस साल से ताल्लुक़ रखने वाले सारे एक्सपेंसेस और सारी रेवेन्यू सब के सब रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो कैश के अंदर हो या फिर नॉन कैश हो। सबसे पहला साइड इनकम का ले लेते हैं हम। इनकम के अंदर इनकम की जो डिटेल होती है वो रिसिप्ट के कॉलम से हमें मिलती है। पहली चीज़ बैलेंस। बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब पिछले साल हमारा जितना कैश बचा होगा उसका बैलेंस है ये। सेकेंड इन्होंने दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी हुई है 105,000। थर्ड के अंदर इन्होंने सब्सक्रिप्शन की कुछ डिटेल दी हुई हमें। 6,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड 9,000 रिसीवेबल। एडवांस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और रिसीवेबल हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने एडवांस माइनस क्यों किया और रिसीवेबल ऐड क्यों किया, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, सपोज़ करें कि मेरे पास एक कस्टमर मैंने बुक किया है, तो उस कस्टमर को जो पॉलिसी है हमारी कंपनी की कस्टमर्स के लिए वो ये है कि जब भी हम कस्टमर को अपने पास बुक करते हैं मतलब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको फर्स्ट एडवांस पेमेंट हमें देनी पड़ती है। तो उस बंदे ने हमें कुछ एडवांस पेमेंट दे दी इसलिए कि वो अब जो भी चीज़ हमने उससे एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है एडवांस पेमेंट के अंदर, कि अब हम जो भी चीज़ उसको सेल करेंगे उसके लिए हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब एडवांस पेमेंट आ गई हमारे पास 1,000, फिर बीच के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई मतलब हमने कुछ उसको सेल किया तो उसने जो भी चीज़ें हमसे ख़रीदी है ना वो कैश सेल में ख़रीदी हैं। कैश सेल मतलब हमने उसको करी है 9,000, दोनों की अमाउंट हो गई 10,000, मतलब हमें कैश जो है रिसीव हुआ है टोटल वो 10,000 रिसीव हुआ है। ये जो 10,000 कैश रिसीव हुआ है ना, ये अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है ये 105,000, ये हमें ओरिजिनल अमाउंट एक कस्टमर से या मल्टीपल कस्टमर से हमें रिसीव हुई है। अब कितनी इसके अंदर एडवांस की शामिल है और कितनी हमारे पास सेल की शामिल है ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन में हमें बता दिए। 6,000 जो है वो एडवांस के शामिल है। अच्छा, अब हमने इसको कुछ उधार पे भी सेल करी होगी मतलब अकाउंट रिसीवेबल भी बुक किया होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल जो उधार पे हमने इसको सेल करी है वो सपोज़ करें 5,000 है। अब टोटल जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हुई इसकी तरफ से जिसके अंदर कैश और उधार वाली सेल दोनों शामिल है वो हो गए हमारे पास 15,000। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर ओरिजिनल सेल इसकी कितनी है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर से जो एडवांस की अमाउंट है वो माइनस कर दोगे और जितनी रिमेनिंग अमाउंट बची है 14,000 वो इसकी ओरिजिनल सेल होगी। इस सेल के अंदर कैश सेल भी शामिल है और उधार वाली सेल जो अकाउंट रिसीवेबल्स की जो सेल है क्रेडिट सेल वो भी शामिल है। ऐसे ही हमने इसमें किया कि हमें 105,000 टोटल पैसे रिसीव हुए थे, इसमें से एडवांस के पैसे हमने हटा दिए और जो उधार वाली सेल थी उसको एडअप कर दिए। अब जो नेट अमाउंट आई है वो हमारी सब्सक्रिप्शन की ओरिजिनल सेल की आ गई है। सेकेंड है हमारे पास डोनेशन। डोनेशन की अमाउंट है 28,220। सेल ऑफ टिकट, इसकी कोई नीचे एडजस्टमेंट नहीं है तो इसलिए ये एस ई टी आ जाएंगी दोनों अमाउंट 60,000। इनकम साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस के साइड पे। एक्सपेंसेस के साइड पे पहली चीज़ दी हुई है हमें सैलरीज। सैलरीज की अमाउंट है 42,000।
यहाँ पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी जो हमने कैश में पे नहीं करी लेकिन इसी साल ताल्लुक़ रखती है, तो इसलिए दोनों का हम एडअप करके लिख देंगे 48,000। उसके बाद है हमारे पास ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट दिया हुआ है हमारे पास 6,600। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल दी हुई है। ग्राउंड रेंट वॉज पेड ऑन अक्टूबर 1 फॉर 4 मंथ, मतलब पहली अक्टूबर को ग्राउंड रेंट पे किया हमने 6,600। ये 4 महीने का रेंट था, तो अक्टूबर से अगर हम हिसाब लगाएं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब जनवरी तक का हमने रेंट पे कर दिया। लेकिन हम जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट बना रहे हैं वो दिसंबर तक का बना रहे हैं, मतलब सिर्फ 3 मंथ का बना रहे हैं। तो 1 महीने का जो रेंट है वो अगले साल का हमने इसी दफ़ा पे कर दिया, तो इसलिए हम उसको हटा देंगे। अब 6,600 को 4 से डिवाइड किया क्योंकि 4 महीने थे, तो 1 महीने का आ गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 महीने के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद है वहाँ पर यूटिलिटीज़, $24,000, सिटी टैक्स 2,100, ट्रांसपोर्टेशन 12,000, स्पोर्ट्स गुड्स इसमें नहीं आएगा क्योंकि गुड्स से हमें पता लग रहा है ये करंट एसेट है। ऑफिस सप्लाइज़ भी इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो भी करंट एसेट है, वो इसलिए ऑफिस सप्लाइज़ का सिस्टम या स्टेशनरी का सिस्टम ये होता है कि कंपनी एक साथ खरीद के रख लेती है, उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड कर देती है, फिर इसमें से जितने कंज्यूम होते रहते हैं, जितने इस्तेमाल होते रहते हैं, उसको जो है एक्सपेंस आउट करते हैं। अगर इसके अंदर से कुछ इस्तेमाल हुआ हुआ होता तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ होता है। यहाँ पे इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसका मतलब 9,000 में से अभी कोई ऑफिस सप्लाइज इस्तेमाल नहीं हुई हुई, तो इसलिए ये फुल अमाउंट जो है करंट एसेट ही है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं लेंगे। अब जो है दोनों साइड का हम टोटल कर लेते हैं, इसमें से ये वाली साइड माइनस कर देते हैं सारी की सारी, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आई हमारी 105,150, ये हमारी हो गई सरप्लस। अगर यहाँ पे ये अमाउंट आती तो ये डेफिसिट कहलाती। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सरप्लस या डेफिसिट निकलता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का हम अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसके ना प्रॉफिट या लॉस निकलता है।